Hi guys, I'm Jatin Verma. Welcome to Daily News Analysis for 18th of March 2018. So guys, आज के DNA में हम बात करेंगे National Financial Reporting Authority की NFRA की powers क्या हैं, इसकी composition क्या रहेगी, और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे ओडिशा के कुछ lakes की, लोकटक लेक, अनुष्बा लेक, इनमें क्या चल रहा है, और गाइस साथ साथ हम बात करेंगे GI टैग को लेके, रसगुल्ला के GI टैग को लेके, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में जो डिस्प्यूट चल रही है काइंड ऑफ, उसकी भी बात करेंगे. तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद DNA फॉर 18th of March. So guys, as promised, I am coming up with the daily news analysis on Sundays as well. 15th of March ka daily news analysis upload kar diya jayega, ya to aaj ya to kal. Aur guys, iske alawa batana chahunga, I am going to take a live session on my own YouTube channel with the name IAS Tayari with Jatin Verma. Aap us channel ko follow kar sakte ho, subscribe kar sakte ho. Aur guys, jo log mere ko Unacademy pe pehli baar sun rahe ho ya YouTube ke medium se sun rahe ho is video ko, to guys aap www.unacademy.com pe Jatin Verma naam search kar sakte ho, aapko meri Unacademy ki profile mil jayegi. प्रोफाइल के जरिए आप मेरे को मेरे सारे कंटेंट को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो. पीआईबी एनालिसिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स, ये सब चीजें आप वहां पे पा सकते हो. और गाइस डेली न्यूज एनालिसिस के नोटिफिकेशंस भी आपको रेगुलरली आते रहेंगे इन केस यू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. क्योंकि यूट्यूब पे कई बार वीडियो मेरी तरफ से देरी होने की वजह से कई बार अपलोड नहीं होता है. और इसके अलावा गाइस फेसबुक आईडी है जतिन वर्मा 0509, फेसबुक प्रोफाइल पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो. वहां पे आई कीप ऑन टेकिंग दी लाइव सेशंस फॉर दी एस्पायरेंट्स फॉर 2018-19-20 के एस्पायरेंट्स के लिए कुछ कुछ वीडियोज हैं जो ऑलरेडी इन दी पाइपलाइन है. आई एम वर्किंग ऑन देम एज टू हाउ यू गाइज कैन स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन इन अ बेटर वे. जो कि मतलब क्या सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए. तो फेसबुक पे जो लोग नहीं है वो टेलीग्राम पे ये सारे वीडियोस के लिंक्स वगैरह पा सकते हो. टेलीग्राम एक गूगल प्ले स्टोर का ऐप है, एप्पल iOS पे भी अवेलेबल है. जतिन वर्मा 05 जब आप सर्च करोगे, 0509 नहीं 05 ऑन टेलीग्राम, यू विल बी एबल टू फाइंड दी टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल बाय मी. तो वहां पे आई कीप ऑन शेयरिंग दी PDF फॉर UPSC एटसेट्रा. अगर करंट अफेयर्स का, पॉलिटी का, इकोनॉमी के जो प्लस कोर्सेज हैं, ऑलरेडी काफी सारे कोर्सेज अब हो गए हैं, तो आई मे नॉट गेट द टाइम अभी एक महीने तक टू स्टार्ट एन अदर कोर्स. 2019 के एस्पायरेंट्स की जो रिक्वेस्ट आ रही हैं, अदर कोर्सेज प्रोबेबली वुड बी स्टार्टेड एनी मे बी आफ्टर अ मंथ. तो वहां पे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे आई कीप ऑन नोटिफाइंग एज एंड व्हेन द न्यू कोर्स इज इन द ऑफिंग, राइट. तो गाइज आप फॉलो कर सकते हैं वहां पे. और ये टॉपिक्स रहेंगे जो आज हम DNA में देखने जा रहे हैं. पाकिस्तान withholds invoice return. India issued another note verbal to Pakistan on continued harassment of Indian High Commission officials. अब इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ 1961, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो डिफाइन करती है फ्रेमवर्क फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एक ढांचा फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन दी इंडिपेंडेंट कंट्रीज. इट स्पेसिफाइज, वियना कन्वेंशन स्पेसिफाई करती है प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन दैट एनेबल डिप्लोमैट्स टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर ऑफ कोएर्शन और हैरेसमेंट बाय दी होस्ट कंट्री, यानी कि पाकिस्तान है या इंडिया है, जहां पे एम्बेसी लोकेटेड है उस कंट्री की क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं. अब ये जो सिलसिला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट कहां से हुआ, द इशू हैड एस्केलेटेड सिंस फरवरी 16 व्हेन द इंडियन हाई कमीशन सेड, इंडियन हाई कमीशन का कहना है कि वर्कर्स जो कि इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन साइट पे, उनको जो है बेसिकली हैरेस किया गया, उनको रफ अप किया गया बाय दी एलिजिड ऑफिशियल्स ऑफ ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है. ISI रेड ऑन इंडियन प्रेमिसेस क्रॉस द रेड लाइन. अब अगर हम वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें, तो इवन इफ अगर कोई हाई कमिश्नर, बी इट ऑफ एनी अदर कंट्री ऑल्सो, कोई हाई कमिश्नर यदि कुछ ऑफेंस भी कर देते हैं होस्ट कंट्री में और यदि वो एम्बेसी में एंटर कर जाते हैं, तो बिना कंट्री, जिस कंट्री की एम्बेसी है, बिना उस कंट्री की इजाजत के उन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता. यहां पे ISI ने सीधे सीधे जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस किया है. और अब इंडिया ये कह रहा है कि इंडिया ये नहीं चाहता था कि ये ग्रीवेंसेस जो है पब्लिकली निकल के आए, बिकॉज फिर इमोशंस आर, जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच के चलते इतनी ज्यादा इमोशंस हाई हो जाती हैं, यहां पे तो डिप्लोमेटिक अब्यूज का मामला है, तो दोनों कंट्रीज में अब जो है एक वैसे मैटर हैज गॉट पब्लिसाइज्ड, उसके चलते दोनों कंट्रीज को और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ये सब चीजों को सुलझाने में. नाउ व्हाइल इंडिया हैड रेज्ड द इशू थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स एज पर द नॉर्म्स ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यहां पे पाकिस्तान फिर से एक वैसे इंटरनेशनल नॉर्म्स की वायलेशन उल्लंघना करता हुआ. और गाइस साथ साथ पाकिस्तान सेड इट वुड स्किप अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टीरियल मीटिंग इन दिल्ली बिगिनिंग मंडे. मार्च 19 से 21 तक ये मीटिंग होने जा रही है. पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मोहम्मद फैजल का, ही इज नॉन कमिटेड ऑन अटेंडिंग दिस मीटिंग इन दिल्ली ऑन द एक्सक्यूज ऑफ प्रिटेक्स्ट ऑफ हेल्थ इश्यूज.
नाउ इंडियाज नोट ऑफ प्रोटेस्ट, ये जो नॉट वर्बेल होता है, ये डिप्लोमेटिक एक वैसे तरीका है अपने आक्रोश को व्यक्त करने का. तो इंडियाज नोट ऑफ प्रोटेस्ट द 12th दिस ईयर सेड इंडियन हाई कमीशन ऑफिशियल्स हैड बीन सब्जेक्ट टू इंटिमिडेशन एंड हैरेसमेंट with incidents on March 15 and 17 highlighted when the officials were followed aggressively by men on a motorbike and when the officials were abused publicly in a shopping area as well. तो पाकिस्तान में ये सिलसिला भी चल रहा है, इंडिया में भी थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, लेकिन शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी. गाइस यहां पे भी इंडिया ने अभी कुछ अपने डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को वापस नहीं बुलाया, लेकिन पाकिस्तान ये धमकियां दे रहा था कि मतलब अपने एम्बेसडर को यहां से वापस बुला लेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान विदहोल्ड्स द एनवॉयस रिटर्न ऑल्सो. ओडिशा डाइंग फ्रेश वाटर लेक टू गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. ओडिशा का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? लोकटक लेक नहीं है, अनसुपा लेक है, विच सिल्टेड अप फॉलोइंग द ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ वाटर इनफ्लो फ्रॉम महानदी. अनसुपा लेक महानदी पे लोकेटेड है. नाउ इट मे सून गेट अ लीज ऑफ लाइफ थैंक्स टू होलिस्टिक इंटरवेंशन इनिशिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा. चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी द नोडल एजेंसी हैज टेकन अप द रिस्टोरेशन मेजर्स अंडर द फंडिंग फ्रॉम नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स. आज हम इस प्लान को भी ब्रीफ में समझेंगे. वी आर प्रपोजिंग टू ड्रेज द माउथ ऑफ हुलहला नाला द लाइफ लाइन ऑफ द लेक. हुलहला नाला से इस पानी जो है मतलब बेसिकली अनसुपा में आता है, राइट? तो ये इसको क्लीन करने का, इसको डीसिल्ट करने की जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर दिया गया है. This connects the Ansupa with Mahanadi and also maintains the gradient of the water channel to ensure flow of water into the lake. Now, Nala's mouth is repeatedly silted up by the sand being deposited by the meandering river. अब ये एक ऑक्सबो लेक है. ऑक्सबो लेक क्या होता है उस पैटर्न को भी समझ लेते हैं. जो लेक ऐसे कुछ रिवर में से कट के बनते हैं बेसिकली ऑक्सबो की तरह, तो उन्हें ऑक्सबो लेक कहा जाता है. ऑक्सबो लेक इज अ यू शेप लेक दैट फॉर्म्स व्हेन अ वाइड मेंडर रिवर जब एक वैसे कर्व लेती है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर इज कट ऑफ. रिवर मतलब ऐसे टर्न लेती है, उसके बाद में कट ऑफ ही हो गई. तो ऐसे ऐसे पैटर्न में जो लेक बन जाता है उसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है, राइट? राइट, तो ये ऑक्सबो लेक कहा जाएगा इसे. और रिवर फिर सीधा चलने लग जाती है और ये लेक जो है इधर ही रह जाता है. तो ये रिवर पहले ऐसे कर्व हुई, उसके बाद में रिवर आपस में जुड़ गई और ये लेक जो है ये साइड में रह गया. नहीं, व्हेन अ वाइड मेंडर फ्रॉम द मेन स्ट्रीम स्टेम ऑफ अ रिवर इज कट ऑफ क्रिएटिंग अ फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर दिस लैंडफॉर्म इज सो नेम्ड फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव कर्व्ड शेप रिजेम्बलिंग द बो पिन ऑफ एन ऑक्सबो. द लेक बीइंग एन ऑक्सबो लेक एन ऑफशूट ऑफ महानदी वॉज डिपेंडेंट ऑन फ्रेश वाटर सप्लाई फ्रॉम द रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. द CDA stated that there had been almost no water supply to the lake since 2014 and the lake was choking itself to death. Now the silted up area has been encroached upon for paddy cultivation. तो ये man-made reasons भी हैं और natural reasons भी हैं. Natural reasons है silting of river. Man-made reasons अब जो मतलब lake जो भर गया है उसके साथ उस वहां पे paddy cultivation start कर दिया गया है. The water area of Ansupa Lake monitored from satellite imageries now varies between 375 acres and 385 acres depending upon the season. सीजन वेरी करता है, जब मतलब विंटर सीजन में कम हो जाएगा, समर सीजन में और ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू इनफ्लो ऑफ मोर वाटर. नाउ द वाटर स्प्रेड एरिया इज रिड्यूस्ड टू ओनली 500 स्क्वायर मीटर एंड फिशरी रिसोर्सेज आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. इसी के साथ ही बात करते हैं नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की. दिस वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2013. 12th फाइव ईयर प्लान के अंडर इसे लॉन्च किया गया था टू अस्टवाइल स्कीम्स को मर्ज करते हुए. नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम. To run a single integrated program for 12th plan, the idea behind a single program was to help promote better synergy and to avoid the duplicacy of administrative procedures. Estimated cost इसकी रहेगी ये पूरे 12th 5-year plan के लिए और अभी भी ये continue कर रहा है, तो पूरी इसकी cost तब आंकी गई थी 900 करोड़ रुपीस. It was estimated to be around 900 करोड़ रुपीस. Nature, it is a centrally sponsored scheme जो national plan है conservation of aquatic ecosystems का. And the centrally sponsored schemes with the center contributing 70% and the states contributing 30%. This ratio varies for northeastern states according to 90-10. 90% by the center and 10% for the northeastern states. Objective, holistic conservation, restoration and rejuvenation of lakes and wetlands for achieving desired water quality enhancement so that fisheries can survive, improving biodiversity and the ecosystem. To reduce pollution loads of the water of the inland water bodies. Further, there were plans on making inventory and information system on lakes and wetlands and regulatory framework including
रिविजिटिंग दी वेटलैंड रूल्स 2012. वेटलैंड रूल्स 2012 मैंग्रोव एरियाज को, ये सब एरियाज को रेगुलेट करते हैं और इन्हें अमेंड किया गया था. इनका एनालिसिस हम किसी और दिन जरूर करेंगे. आज के लिए नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेरिक इकोसिस्टम्स. अगर पिछले दिनों हमने चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो डेटा गैदर किया है उसकी बात करी थी, तो वो सारा काम जो है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के इस प्लान के अंडर होता है. Plans on making the inventory and information system on lakes as to what is the level of fisheries, what is the number of fisheries, whether it is increasing or it is declining. और ये सारा जो maintenance है, घेरीज से निजात दिलाना, घेरीज जो encroach करती हैं मतलब ये lakes को, उनसे उन घेरीज को जो है खाली कराना वहां से lake से, so that fish can in a way they can fish can swim from one part of the village to another, one part of the lake to another part of the lake, right? तो इसके लिए ये चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी काम कर रही है या जो भी और लेक कंजर्वेशन अथॉरिटीज इंडिया में काम कर रही हैं, वो एनपीसीए के अंडर काम कर रही हैं. और इसी के साथ ही एक और लेक के बारे में, अ फ्लोटिंग लेबोरेटरी टू सेव दी फेम्ड लोकतक लेक. अब ये जो फ्लोटिंग लेबोरेटरी है ये भी एनपीसीए के अंडर लाई जाती है. 3 days a week 4 women इन व्हाइट लैब कोट्स ट्रेवर्स द लोकतक लेक इन अ कस्टम बिल्ट मोटर बोट स्कूपिंग फ्लास्क फुल्स ऑफ वाटर फॉर एनालिसिस. अब ये जो एनालिसिस किया जाता है ये बेसिकली इस प्लान के लिए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम लेक पे डेवलप करने के लिए. नाउ दे रिकॉर्ड चेंजेस इन द टेम्परेचर, एसिडिटी, कंडक्टिविटी एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन इन 300 square kilometer लेक. राइजिंग अर्बेनाइजेशन एंड लैंड यूज चेंज ओवर द ईयर्स हैज सीन द लोकतक लेक, द लार्जेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, बिकम अ डंप यार्ड फॉर म्युनिसिपल वेस्ट. दे कैलकुलेट दी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्लोराइड टेस्ट एंड नाइट्रोजन लेवल्स. साइलेंट थ्रेड, दो दी लोकतक लेक इज येट टू सी वरिंग लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन, अर्ली साइंस सजेस्ट दैट देयर इज अ नीड टू बी विजिलेंट. और इसी के कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे ये क्वेश्चन पूछा था. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बायोकेमिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए ईगल आई व्यू लेते हुए ये चीजों को सुनना है, चाय पीते हुए नहीं सुनना है. Biological oxygen demand is a standard criterion for measuring oxygen levels in blood, computing oxygen levels in forest ecosystem, pollution assay in aquatic ecosystems, assessing oxygen levels in high altitude regions. तो ये basically biological oxygen demand हमने कुछ महीने पहले DNA में study करा था. अब जो DNA है basically वो सारा कुछ revision mode लेते हुए अब सारे topics जो हैं दोबारा से उठाए जाएंगे, चाहे वो question form में उठाए जाएं, चाहे वो दोबारा से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बायोकेमिकल अब आपको स्टडी करना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल में कोई डिफरेंस होता है या नहीं उसे कमेंट सेक्शन में बताओगे. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये सब क्या होता है ये आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अभी. एवरीवन टॉक्स अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बट नाइट्रोजन पॉल्यूशन इज अ मेजर साइलेंट थ्रेट टू दीज वाटर बॉडीज, खासकर लोकतक. दिस इज सिमिलर टू फिनोमिना ऑफ कोरल ब्लीचिंग इन ओशियंस वेयर राइजिंग सी सर्फेस टेम्परेचर कॉज ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन कॉरल्स टू डिसएंगेज थेरबाय किलिंग द कोरल्स देमसेल्व्स. तो कोरल रीफ्स और ये सब की मॉनिटरिंग एनपीसीए के अंडर ऑलरेडी करी जा रही है. और गाइज आप बताओगे कोरल्स को सर्वाइव करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर मिनिमम चाहिए होता है? एक ऑप्टिमम रेंज है मिनिमम से मैक्सिमम, अगर उससे बढ़ जाता है तो कोरल्स मरने लग जाते हैं, मर जाते हैं, राइट. अगर उससे कम हो जाता है तो भी कोरल्स कैन नॉट इन अ वे प्रोलिफरेट प्रॉपरली. नाउ द मॉडल ऑफ फ्लोटिंग लेबोरेटरी टाइज इन विद द लार्जर इनिशिएटिव बाय द सेंटर्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ एक्वेटिक सिस्टम्स इन द नॉर्थ ईस्ट. लास्ट सितंबर 2017 में डीबीटी अनाउंस्ड प्लान्स टू हैव मल्टीपल बोट्स क्रूजिंग द 3500 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र रिवर एंड कलेक्टिंग वाटर सैंपल्स टू ट्रैक इट्स हेल्थ. लोकतक लेक कहां पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर से आता है, राइट. द हेल्थ ऑफ द लेक ऑल्सो अफेक्ट्स फ्रॉम दिस और द यूनिक फ्लोटिंग आइलैंड ऑन द लेक. दीज आइलैंड्स made up of a mix of vegetation and soil coalesce to form a thick mat that for centuries have hosted huts and fishing settlements. Authorities are now studying the nutrient uptake of these vegetations and monitoring their health. The pH level of the water ka jo pH level hota hai of the lake as per measurements so far varies from 6.8 to 7.2. Ideally it should be slightly below 7. Studies of the ocean acidification have shown that even a 0.1 increase of acid level can cause harmful decalcification. और decalcification जब होता है उसके क्या असर होते हैं prelims के लिए बहुत important है. comment section में ये 3-4 question जो मैंने पूछे हैं पूरी ईमानदारी के साथ answer कर देना, right? Notice to Bengal over GI tag for Rasagulla. अब ये न्यूज स्टडी करेंगे. Geographical Indications Registry ने issue notice issue किया है West Bengal को. West Bengal को 4 महीने पहले रसोगुल्ला का Geographical Indication tag दे दिया गया था.
कि रसोगुल्ला जो है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक वैसे इन्वेंट किया गया, और ये उनका एज ओल्ड मतलब एक वैसे कल्चरल प्रॉपर्टी है। इसी को कंटिन्यू करते हैं गाइस पार्ट टू में। सो गाइस वेलकम बैक फॉर पार्ट टू ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस। लेट्स रिज्यूम आवर डिस्कशन ऑन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये बताता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे कि तिरुपति लड्डू या रसोगुल्ला जो है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर स्टेट में काफी समय से, एक इवन एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, लोकलाइज्ड एरिया में काफी टाइम से, सेंचुरी से वो बनाया जा रहा है और वो उस एरिया की कल्चरल प्रॉपर्टी है, ताकि कोई और उस पर जो है पेटेंट ना फाइल कर दे, कोई और कोई कंट्री या कोई और स्टेट उस पर पेटेंट ना फाइल कर दे। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने से ये होता है कि उस कमोडिटी की, उस प्रोड्यूस की जो कि उस पर्टिकुलर प्लेस से आ रहा है, वही उस प्लेस जो है वही उस प्रोड्यूस का नाम लगा सकता है, जैसे कि बंगाली बांगलर रसोगुल्ला। तो नाउ फूड प्रोसेसिंग एंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो वेस्ट बंगाल का है, उसको नोटिस इशू किया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा, आस्किंग वाई द GI रिकॉग्निशन गिवन टू बांगलर रसोगुल्ला नॉट बी विदड्रॉन। रिएक्टिंग टू एन एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन, एक एप्लीकेशन फाइल करा गया था चेयरपर्सन जो है भुवनेश्वर बेस्ड रीजनल डेवलपमेंट ट्रस्ट के, द GI रजिस्ट्री ऑफिस इन चेन्नई सर्व दिस नोटिस टू वेस्ट बंगाल। अब पहले सबसे पहले पिटिशन फाइल करा चेयरपर्सन ने रीजनल डेवलपमेंट ट्रस्ट के, और उस जो नोटिस इशू करा गया उसी एप्लीकेशन जो इशू करी गई है कि क्यों ये गलती से दिया गया है वेस्ट बंगाल को, तो GI रजिस्ट्री इन चेन्नई जो है उन्होंने वेस्ट बंगाल को नोटिस इशू किया कि आपका ये जो जो आपको GI टैग दिया गया है रसोगुल्ला के लिए, कि सिर्फ आप ही बांगलर रसोगुल्ला बना सकते हो, आप ही ये नाम यूज कर सकते हो, क्यों आपका ये वापस छीन ना लिया जाए। क्वेश्चन क्या क्या किया गया है, ये जो चेयरपर्सन है भुवनेश्वर बेस्ड RDT के, इनका कहना है had objected to the GI status procured by West Bengal for Bangalore Rasogulla 4 months ago. He had also questioned the data provided by West Bengal for getting the GI tag. अब GI tag लेने के लिए, कुछ पुष्टि करने के लिए, confirm करने के लिए कि हाँ Bangalore Rasogulla सदियों सदियों से West Bengal में ही बनाया जा रहा है, कुछ data cite करना होता है, कुछ facts देने होते हैं रजिस्ट्री को, और रजिस्ट्री उसी फैक्ट्स के बेसिस पे जो है GI टैग रजिस्टर करती है, अगर किसी और स्टेट को, किसी और गवर्नमेंट को कोई दिक्कत उसमें ना हो। ही ऑल्सो सेड दैट ओडिशा वॉज नॉट गिवन अ चांस टू एक्सप्लेन इट्स स्टैंड्स व्हेन वेस्ट बंगाल अप्लाइड फॉर GI स्टेटस। तो रजिस्ट्री ने इन द फर्स्ट प्लेस ओडिशा को कोई चांस नहीं दिया। ओडिशा स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन अप्लाइड फॉर GI टैग फॉर ओडिशा रसोगुल्ला ऑन January 23 दिस ईयर। The application includes, Odisha की application में ये ब्यौरा भी दिया गया है, evidence भी है, evidence seeking to prove that famous sweet Rasogulla was part of offering in the Sri Jagannath temple of Puri at least 5 centuries ago. Odisha में ये काफी time से use होते आ रहे हैं, 5 centuries से, लेकिन West Bengal के जो data है वो कहीं ना कहीं Odisha के data के साथ में conflict कर रहा है, तो Rasogulla जैसे मीठे इतने sweet को लेकर कड़वाहट। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन बींग स्प्रेड ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रधानमंत्री ने ये जो कल बात कही, सेट द कंफ्यूजन वॉज बींग स्प्रेड अबाउट द डिसीजन इन द यूनियन बजट टू फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ क्रॉप्स एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द प्रोडक्शन कॉस्ट। जो यूनियन बजट में ये कहा गया था कि अब फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाएगा, अगर उनकी कॉस्ट 100 रुपए आ रही है तो उन्हें 150 रुपए दिए जाएंगे, अगर उनकी कॉस्ट 1000 रुपए आ रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो उन्हें 1500 रुपए दिए जाएंगे, 1.5 टाइम्स द प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ऑपोजिशन पार्टीज का या क्रिटिक्स का ये कहना है 1.5 टाइम में तो प्रोड्यूस का जो कॉस्ट है, अब वो कॉस्ट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या क्या चीजें जो है उसमें पैरामीटर्स जो लिए जाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर अश्योर्ड द फार्मर्स दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 1.5 टाइम्स कॉस्ट देने के लिए जिसको जो जो सारे एलिमेंट रहेंगे उसमें ये रहेगा, हायर्ड लेबर कितनी थी, एक्सपेंसेस ऑन देयर ओन और रेंटेड मशीनरी एज वेल एज लाइव स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, एक्सपेंसेस ऑन इरीगेशन, रेवेन्यू बींग गिवन टू दी स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जो दिया जा रहा है, अगर वर्किंग कैपिटल जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड पे जो ब्याज दिया गया है, रेंट ऑफ लीज्ड लैंड अमंग अदर्स। नाउ प्राइम मिनिस्टर सेड इट विल ऑल्सो इंक्लूड द लेबर पुट बाय द फार्मर्स एंड देयर फैमिली। तो फार्मर्स को चिंता करने की कोई नीड नहीं है, अकॉर्डिंग टू द एश्योरेंस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्लूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा। नाउ ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना था कि डबल करनी है फार्मर्स इनकम, तो 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का देने से शायद डबल नहीं हो पाएगी, वो भी 2022 तक। नाउ
Besides, he asked farmers to grow more oil seeds to reduce the dependence on imported cooking oil and cut urea consumption by at least half by 2022. तो इसके लिए नीम कोटेड यूरिया और ये सब सरकार जो कदम उठा रही है. Notified crops, government has decided for all notified crops, MSP will be at least 1.5 times the cost. ये budget 2018-19 में finance minister ने ये budget speech में कहा था. Now, some things about Commission for Agricultural Costs and Prices. Commission for Agricultural Costs and Prices is an attached office of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. It came into existence in January 1965. Food Corporation of India or CACP, कौन से 5-year plan में बने थे? ये आपको comment section में बताना है. Then, as of now, CACP, Commission for Agricultural Costs and Prices, recommends minimum support price of 23 commodities, which comprise 7 cereal crops, paddy, wheat, maize, sorghum, pearl, millet, barley and ragi. 5 pulses, gram, tur, mung, urat, lentil. 7 oil seeds, groundnut, rapeseed, mustard, soybean, sesam, sesamum, sunflower, safflower, niger seed and 4 commercial crops, copra, sugarcane, cotton and raw jute. तो ये कुछ-कुछ चीजें जो हैं कभी-कभी पूछी जाती हैं. अब क्राइटेरिया में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, still we will wait for the updation on PIB और या फिर इंडियन एक्सप्रेस में जो भी रहेगा इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा या टाइम्स ऑफ इंडिया जहां पे भी आएगा कि फाइनली गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, ऑन व्हाट बेसिस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या-क्या बेसिस उसमें क्या-क्या एलिमेंट्स रहेंगे. तो ये हमें ऑफिशियल औपचारिक तौर पे जो नोटिफिकेशन पीआईबी पे या जो भी कुछ आएगा उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे. लो डाउन ऑन ऑडिट रेगुलेटर. नाउ टुडे वी गोना टॉक अबाउट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. यूनियन कैबिनेट ने 1 मार्च को अप्रूव किया था क्रिएशन ऑफ एनएफआरए इन द लाइट ऑफ बैंकिंग सेक्टर स्कैम्स लाइक द वन इन पंजाब नेशनल बैंक एंड अदर्स. नाउ अ बिग स्टेप फॉरवर्ड इन रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ लार्ज कंपनीज. NFRA is to be an independent regulator overseeing the audit profession and its creation was first recommended by Standing Committee on Finance in its 21st report in way back in 2009 in the aftermath of Satyam scam. Ab is body ki proposed composition kya hai? Chairman, 3 full-time members and 1 secretary. Though no decision has yet been taken on who will fill these posts, yani ki inki qualification kya rahegi. And how did it come about? While many provisions of the Companies Act 2013 came into force on April 1, 2014 itself. Jaise hi Companies Act ko notify kiya gaya, kaafi sari cheeze jo lagu kar di gayi. The setting up of NFRA, a key recommendation was delayed. The decision appears to have been prompted by the latest bank scam to have hit the headlines. The 12,637 crore rupay ka ye jo PNB mein scam hua hai, uske baad ये सरकार जो है सकते में आ गई है. द ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैड इनिशियली वॉइस्ड इट्स डिसकंटेंट विद द आइडिया ऑफ अ रेगुलेटर फॉर द सेक्टर. ICAI ये कह रहा है कि मतलब ये मेरा जो है डोमेन है, आप इसमें कोई और रेगुलेटर ना बनाए तो अच्छा. लेकिन गवर्नमेंट हैज क्लेरिफाइड दैट द रोल्स ऑफ न्यू रेगुलेटर एंड दोज ऑफ द ICAI विल नॉट ओवरलैप. रादर ICAI विल स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड्स, NFRA विल सी वेदर द स्टैंडर्ड्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन और नॉट. अभी क्या है, ICAI स्टैंडर्ड लेके आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करता है और ICAI ही उनको अप्लाई करता है स्टैंडर्ड्स को. तो इसके चलते दो काम ICAI कर रहा है. इसी कॉन्टेक्स्ट में अब ICAI का ये जो रेगुलेटरी फंक्शन है, एज द नेम ऑफ NFRA सजेस्ट्स, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी विल टेक ओवर द फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ ICAI अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट. नाउ फंक्शंस NFRA वुड कवर ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड लार्ज अनलिस्टेड कंपनीज, इवन दोज कंपनीज विच आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वो भी NFRA के दायरे में आएंगी. द बेंचमार्क साइज और विच वुड बी सेट डाउन इन देयर रूल्स, कि कंपनी की नेटवर्थ क्या होनी चाहिए, 5,000 करोड़ होगी या 10,000 करोड़ होगी, वो रूल्स में आएगा. अभी के लिए सिर्फ इतनी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में. स्मॉलर अनलिस्टेड कंपनीज वुड कंटिन्यू टू बी ऑडिटेड बाय ICAI. The government also said that Quality Review Board would continue quality audits for private limited companies and public unlisted companies below the prescribed threshold. What is the threshold? It is yet to be, government is yet to come out with the threshold in the subsequent notifications. NFRA would also have the power to refer cases to QRB as and when it decided to do so.
क्यूआरबी को केसेस रेफर करे जाएंगे। तो मतलब आईसीएआई अपना जो है एडवाइजरी रोल, वो एडवाइजरी रोल की भूमिका निभाते रहेगा विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज बाय मेकिंग इट्स रिकमेंडेशंस टू द एनएफआरए। अपार्ट फ्रॉम सेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द ऑडिट सेक्टर, NFRA will have the power to debar erring auditors or audit firm for up to 10 years and impose significant fines on them. According to Section 132 of Companies Act 2013, NFRA will have powers to impose fine of less than rupees 1 lakh, but the amount can extend up to 5 times of the fee received in case of individuals. Government has to set the rules that will stipulate the jurisdiction of NFRA. Specifically, it has to set a time limit on size of an unlisted company that comes under the purview of National Financial Reporting Agency Authority. Now, why does it matter? The government is quite clear that the need for such a body is all the more important after the several financial accounting scams, the most recent one being Punjab National Bank scam. However, the idea of NFRA came following the Satyam scam in 2009, following which Standing Committee on Finance in its 21st report recommended the creation of an audit regulator. Audit recommendatory body jo hai, standard setting body jo hai, wo ICAI hai, Institute of Chartered Accountants of India. Ye hai standards, para mein auditing, accounting standards kya rahenge, ICAI to wo leke aati hai. Ab wo lagu ho rahe hai ya nahi, uske liye ek alag body ki need jo hai, it was being felt ever since Satyam scam of 2009. Now, most of the major economies of the world have independent audit regulators, and over the last decade or so, umbrella bodies have come up that have provided an element of cohesion to these regulators. Ab regulators kya hai? RBI apne norms leke aata hai, SEBI apne norms leke aata hai. Ab ye umbrella body jo hai, ye create kar di jayegi NFRA ke naam se. National Financial Reporting Authority wo ye batayegi ki ye jo jitne sare regulators hain, RBI, SEBI, IRDA, इनके जो बेसिकली जो नॉर्म्स हैं कंपनीज फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये काम अभी तक ICAI कर रहा था फॉर लार्जर एज वेल एज स्मॉलर कंपनीज। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दिस फंक्शंस विल बी गिवन टू अम्ब्रेला रेगुलेटर इन द फॉर्म ऑफ NFRA। इंटरनेशनल फोरम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर्स वाज सेट अप इन 2006 एंड नाउ इट हैज मोर देन 52 इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर्स वर्ल्ड वाइड। यानी कि जो ऑडिटर्स हैं वर्ल्ड वाइड वो इसकी मेंबरशिप लेते हैं, 52 अभी इसके मेंबर्स हैं। While the ICAI has voiced its reservation about an independent regulator, several individual accountants have said such a regulator is a good idea. The audit profession has become a very complacent, आलसी, मतलब complacent मतलब कि कोई audit regulation तो हो नहीं रहा, oversight तो है नहीं, कहीं भी मोहर लगा देगा CA तो कुछ भी चल जाएगा, कौन पकड़ने आ रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेसेंसी है इसको शेकअप करने के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंसी से बाहर निकालने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या इस प्रोफेशन को NFRA की जरूरत है। एंड दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज ऑलवेज रॉन्ग डूइंग, बट अ लॉट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रूल्स दैट यूज्ड टू हैपन विल नाउ होपफुली बिकम मोर डिफिकल्ट आफ्टर द सेटिंग अप ऑफ NFRA। नाउ आर फॉरेस्ट ऑफ तमिलनाडु बर्निंग, तो इसमें कुछ कुछ रीजंस हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये गाइज आप खुद पढ़ेंगे, मेरी जिम्मेवारी थी इसे इनकॉर्पोरेट करना, फैक्चुअल है, आज हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं, आप इसे पढ़ेंगे। ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? स्मोल्डरिंग फायर, नॉट स्टैम्प्ड आउट प्रॉपरली, किसी ने सिगरेट फेंक दी और वो बन गई आग, लेफ्ट ओवर्स बाय ट्रेवलर्स, कैंपर्स एंड पिकनिकर्स, एंड अ स्पार्क दैट हैज एस्केप फ्रॉम अ डेलिब्रेट वन ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स और फ्रॉम कंट्रोल्ड बर्निंग एल्सवेयर। तो एक कोई स्पार्क जो मिल गया होगा, चिंगारी मिल गई होगी उसके बाद। Farmers fight for land rights in Maharashtra. Over 30,000 farmers marched to Mumbai from different parts of Maharashtra for 5 days from 7 March se 12 March tak. Inhone long, bahut hi long, lambi march nikali farmers ne state government's attention akarshit karne ke liye, that included the transfer of forest land to tribals who have been tilling it for years. Hua kya hai? The protest began in Nasik on March 7 and was organized by All India Kisan Sabha affiliated to Communist Party of India Marxist. Kisan Long March started with over 10,000 farmers. Over 5 days, more farmers from Nandarbar, Palghar and Thane joined in. By the time they reached Mumbai, the number swelled to 40,000 by some estimates. Why farmers are so distressed? Farmers in the state are distressed for a number of reasons, for a host of reasons, the key being rising debt. बारिंग 2016-17 को यदि छोड़ दें, महाराष्ट्र का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा है, हिंदू का कहना है, सिंस द करंट गवर्नमेंट टुक ओवर इन 2014। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट स्टेट विल रजिस्टर नेगेटिव एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट फॉर दिस ईयर एज वेल। महाराष्ट्र हैज सीन हाई फार्मर सुसाइड्स। लास्ट ईयर जो आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है वो ये बताता है 2000 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड फॉर द रीजन सच एज डेट एंड लैंड एक्विजिशन।
Farmers have been plagued by a variety of issues over the last couple of years. Key ones: pest attacks, hailstorms, drought, falling market prices, land acquisition for infrastructure projects, poor irrigation facilities and lack of access to credit. और पिंक बुलवॉर्म इन्फेस्टेशन ये क्यों होता है इसके बारे में गूगल पे सर्च करोगे और कमेंट सेक्शन में आप बताओगे. नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम फार्मर्स हैव प्रोटेस्टेड इन द स्टेट. फार्मर्स हैड स्टेज्ड सिमिलर काइंड ऑफ स्टेट वाइड प्रोटेस्ट इन द लास्ट जून 2017 एज वेल, वेयर दे रिफ्यूज टू सेल देयर प्रोड्यूस इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइजिंग डेट एंड डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस. द स्टेट अनाउंस्ड द फार्म लोन वेवर स्कीम, लेकिन फार्मर्स उससे भी नाखुश थे. पार्ट थ्री में देखते हैं क्यों ना. सो गाइस पार्ट थ्री में रिज्यूम करते हैं फार्मर्स डिस्ट्रेस रिलेटेड न्यूज फ्रॉम महाराष्ट्र. सो क्या फार्मर्स जो फार्म लोन वेवर दिया गया 34,000 करोड़ रुपए का उससे नाखुश हैं, क्योंकि काफी सारे रीजंस हैं, जैसे कि ओनली वन मेंबर पर फैमिली वाज अलाउड अ डेट वेवर एंड अ सीलिंग ऑफ रुपीज 1.5 लाख वाज प्रिस्क्राइब. बिकॉज ऑफ दीज ऑनरस कंडीशंस अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स वर अनएबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट एंड हैव कंटिन्यू टू रील अंडर डेट. कि 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, 1.5 लाख रुपए से ऊपर का लोन जो है वो वेव ऑफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो सिर्फ एक मेंबर ऑफ फैमिली के नाम पे भी हो. और अगर एक फैमिली में 5 मेंबर्स के नाम पे लोन है, सिर्फ एक मेंबर ऑफ फैमिली लोन वेव करा सकता है, वो भी सिर्फ 1.5 लाख रुपए का. फार्मर्स इन्हीं सब कारणों के चलते अब दोबारा से जो है सड़कों पर उतर आए. द की डिमांड्स ऑफ दिस प्रेजेंट मार्च वर अ कंप्लीट फार्म लोन वेवर, द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्वामीनाथन कमिटीज रिकमेंडेशन ऑन फिक्सिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स. अब प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में कुछ कहा है, तो इंटरलिंकेज नेसेसरी है. कॉम्पेंसेशन फॉर ऑफ रुपीज 40,000 पर एकर टू फार्मर्स हिट बाय हेलस्टॉर्म एंड पिंक बुलवॉर्म एंड प्रोजेक्ट्स टू लिंक नरपर दमन गंगा एंड गिरनार रिवर्स. तो ये नरपर दमन गंगा कौन कौन से स्टेट्स में जाती हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में आज ही आंसर करोगे, कल पे नहीं चालना इसे. दे वर डिमांडिंग दैट दे बी गिवन द राइट्स टू लैंड दे हैव बीन टिलिंग फॉर जनरेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. द फार्मर्स वर अपसेट एट द स्लो पेस ऑफ अप्रूवल्स अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. इन द केस वेयर द फार्मर्स हैड रिसीव्ड द लैंड, दे गॉट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट दे हैड बीन टिलिंग. यानी कि उनको पूरा पूरा हक उसका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर नहीं दिया जा रहा. तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के ऊपर भी क्रिटिकल कमेंट्री आप कर सकते हो. जीएस मेंस पेपर 1, 2 और 3 के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. फार्मर्स वाला जो इश्यू है वो 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के लिए. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वाला जीएस मेंस पेपर 1 ट्राइबल राइट्स, जीएस मेंस पेपर 2 पॉलिटिकल, क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का सवाल है. 3 के लिए भी ये रेलेवेंट है, राइट, बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स थिंग. व्हाट इज द गवर्नमेंट स्टैंड? द गवर्नमेंट कंसीडेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अब काफी सारी मांगे इनकी मान ली हैं. मेकिंग लोन्स टेकन बिटवीन 2001 एंड 2009 एलिजिबल फॉर वेवर, द अर्लियर कट ऑफ वॉज 2009, एंड सॉर्टिंग आउट अपील्स एंड क्लेम्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट विद इन 6 मंथ्स. फॉरेस्ट राइट एक्ट में यदि आज कोई अपना क्लेम डालेगा तो विद इन 6 मंथ उसका भुगतान किया जाएगा. गवर्नमेंट ने यह आश्वासन दिया है अभी के लिए. अ मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड विल बी अलॉटेड इन द केस वेयर द लैंड ट्रांसफर इज लेस देन द लैंड बीइंग टिल्ड. यानी कि ऐसा है कि अगर कोई फार्मर 8 हेक्टेयर्स लैंड पे टिलिंग कर रहा था तो 8 हेक्टेयर्स तो मिलेगी, लेकिन अगर कोई 3 हेक्टेयर्स पे कर रहा था तो 4 हेक्टेयर मिलेगी, राइट. तो 4 हेक्टेयर मिनिमम. देन हिंदू सेक्शन 2 की अगर हम बात करें, वायलेंट प्रोटेस्ट नॉट अ बेसिक राइट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पब्लिक demonstrations resorting to violence including stone throwing are not protected by the fundamental right to freedom of speech and expression. The Supreme Court has held. A bench of justices observed that reason for demonstration might be genuine, but this does not give the agitators the license to resort to violence, destroying public property or private property and at times the lives of citizens. Judgment came on a plea by Gorkha Janmukti Morcha leader Bimal Gurung for protection against arrest in several cases filed against him by West Bengal government. West Bengal में जो भी तोड़फोड़ हुई उनके लिए इनको थोड़ा जिम्मेवार ठहराया जा रहा है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 का ध्यान रखते हुए एक्सेप्शन टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल पीसेबली है, पीसफुली है, वहां पर ये थोड़ी है कि मतलब दंगा करने लगोगे. जस्टिस भूषण हु रोट द जजमेंट ऑब्जर्व दैट Constitution only protects the right to assemble peacefully. Demonstrations, whether political, religious or social or other demonstrations, which create public disturbances or operate as nuisances or create or manifestly threaten some tangible public or private mischief, are not covered by protection under Article 19, Clause 1. A demonstration was meant to convey a feeling of disillusionment to those in the authority, but it might take different forms. And peaceful form is the only form which is protected for Article 19, Clause 1, my words.
एंड यहाँ पे जो हमने फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखा ये भी एकदम शांत था, 40,000 फार्मर्स, कोई तोड़फोड़ नहीं। तो यहाँ पे भी अगर कोई डिमांड करी जाए, कोई भी पॉलिटिकल डिमांड हो, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कहना चाह रहा है। इट मे बी नॉइजी, डिसऑर्डरली, फॉर इंस्टेंस स्टोन थ्रोइंग बाय क्राउड मे बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वायलेंट एंड डिसऑर्डरली डेमोन्स्ट्रेशन विच इज ऑब्वियसली नॉट प्रोटेक्टेड बाई ईदर फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन और द फंडामेंटल राइट टू असेंबल पीसफुली। Likewise, Supreme Court held that right to free speech includes the right to speak in public, but this too should not be used to incite violence. किसी को instigate करना कि bomb लगा दो या ये कर दो वो गलत है, right? तो सिर्फ peaceful reasons के लिए गांधी जी की country में गांधी जी के तरीके से ही काम किया जाए। The court referred to the Kerala's High Court's judgment on bans. Bans जो होता है, bans to evoke judicial objections against methods used by particular groups. और पार्टीज टू और सेक्ट्स टू पैरालाइज दी एंटायर सिटीजनरी, मतलब पूरे का पूरा काम जो है ठप नहीं किया जा सकता बंद की होड़ में, राइट। नो पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन कैन क्लेम दैट इट इज एंटायरली टू पैरालाइज द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन द एंटायर स्टेट और नेशन एंड इज एंटाइटल्ड टू प्रिवेंट द सिटीजन्स नॉट इन सिंपथी विद इट्स व्यू पॉइंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर फंडामेंटल राइट्स और फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज फॉर देयर ओन बेनिफिट और फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट और नेशन। जस्टिस भूषण रिप्रोड्यूस द वर्डिक्ट ऑफ द हाई कोर्ट गिवन ऑलमोस्ट 20 इयर्स अगो। तो ये नो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कैन क्लेम दैट कि उनको जो है लाइसेंस मिल रखा है इंडस्ट्री पूरी की पूरी स्टेट की इंडस्ट्री को पैरालाइज करने का, या कोई पॉलिटिकल पार्टी को ये लाइसेंस नहीं मिल रखा कि सिटीजन्स को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जीने से रोका जाएगा, उनकी शॉप्स खोलने से नहीं रोका जा सकता कोई भी बंद हो यदि, राइट। Now, service sector could propel growth. India's service sector could help propel the country's economic growth in the future as globalization of services has only just begun, according to Nobel laureate Paul Krugman. इनकी books भी आती हैं काफी अच्छी अच्छी, जो लोग थोड़ा economics से हैं mains के time पे इनकी book पढ़ सकते हैं, Nobel laureate हैं ये, काफी अच्छा लिखते हैं। India's growth story is quite unique, Dr. Krugman said while speaking at an event in the national capital on Saturday. Services have been propelling the growth to an extent that hasn't been seen anywhere else in the world except in India, and the possibilities of service globalization has only just begun. Globalization of services trade has a huge potential, he says. That's one reason to be especially hopeful of India's progress. It has the first mover's advantage. India has got the first mover's advantage. Reason, Dr. Krugman said there were three reasons why he was optimistic about India, including the potential of the services sector. The first one is people, both numbers and qualifications. There is clearly a cultural slow growth reservoir of creativity. There is clearly a cultural reservoir of creativity and entrepreneurship on the level that he thinks, I think back in the bad old days of slow growth, nobody could have imagined. The widespread fluency in English is an important thing. Even the US gradually loses its preeminent status. Nonetheless, English is the language of global commerce and that's going to matter. तो ये चीजों के चलते सर्विस सेक्टर ग्रोथ के बारे में नोबेल लॉरिएट का इंडिया के बारे कुछ कहना। शॉर्टेज ऑफ बैटरी इंग्रेडिएंट्स कम्स इन द वे ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्विच ओवर विद ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट वाइल द ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट इज ऑन द कस्प ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द वेक ऑफ बिग पुश बाय द गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। कार मेकर्स में एनकाउंटर बंपी रोड्स अहेड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। ईवी थ्रस्ट मस्ट बी रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट्स एंड सिटी अथॉरिटीज to replace international combustion engine vehicles ICEVs with cleaner alternatives as car makers they gear up there. यहाँ पे कुछ analysis का है नहीं तो आप लोग खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। It is critical that India takes into account the practical aspects related to EV rollout as it defines its long-term strategy for the sector. अब हमने आर्टिकल 19 की बंद की परिभाषा जो अपनी पॉलिटी की बुक में अपलोड कर एक वैसे नोट डाउन करनी है, स्टिकी नोट के वैसे आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। आर्टिकल 19 पे कुछ लगाम है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दे रखी है, थोड़ा चश्मा लगा के देखोगे ये दिखेगा। उस दायरे में आपको ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लगभग 3 महीने के लिए वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट कोई भी सारा काम था जो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी वॉज हैमस्ट्रंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट इन दार्जिलिंग ओके बाय गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। तो इंपॉर्टेंट केस है इसकी साइट, आप इसको साइट कर सकते हो इसके बारे में कुछ मतलब लिख रहे हो इस टॉपिक के बारे में, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू असेंबल पीसफुली के बारे में, राइट। तो ये था गाइस आज का एनालिसिस, आप फॉलो कर सकते हो IAS तैयारी विद जतिन वर्मा यूट्यूब चैनल पे मेरे को। आई एम टेकिंग अ लाइव सेशन 15 मिनट्स फ्रॉम नाउ 8:15 पे ये लाइव सेशन रहेगा,
और इसमें हम डील करेंगे यूथेनेशिया के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ में. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम.